हेलो दोस्तों, ऑन डिजिटल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी अकाउंट कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बीसी अकाउंट लेते हैं तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बहुत सारा सर्विस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप अपने घर से ही आप किसी भी कैंडिडेट का अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आधार सर्विस का भी आप काम कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको बैंकिंग सर्विस जैसे विड्रॉल, साथ ही मनी ट्रांसफ़र और साथ ही दोस्तों यहाँ पर इंश्योरेंस का भी काम दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी अकाउंट ले और दोस्तों यहां से आप पैसे कमाएं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया हूं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी अकाउंट कैसे ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऑन डिजिटल यूट्यूब चैनल पर पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी अकाउंट लेने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर लिंक पर जाकर के आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे ippbonline.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, या फिर गूगल सर्च में जाएंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिख करके सर्च करेंगे, फर्स्ट में ही आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहां पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको यहां पे एक सर्च का बटन दिख रहा होगा जहां पे लिखा हुआ है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। दोस्तों, आपको बी सी लिख करके सर्च करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप बी सी लिख करके सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट में जो ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो बीसी अकाउंट होगा वो कौन ले सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC संचालक जो हैं वो भी इसको ले सकते हैं। जब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन को आपको कैसे फिल करना है, इसके लिए ऊपर में आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों, आप जैसे ही IPPB कस्टमर्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाता है। देख सकते हैं डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म लिखा हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कैश विदड्रॉल, डिपोजिट, इसके अलावा बैंक अकाउंट ओपनिंग हो गया, आधार सीडिंग हो गया, फंड ट्रांसफ़र, RKYC सर्विस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट इन अकाउंट, आपके जितने भी सर्विसेज हैं इस सर्विस का आप लाभ ले सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है बीसी अकाउंट के लिए। इसके लिए सर्विस रिक्वेस्ट में जाएंगे, अब सेकंड वाले ऑप्शन पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नन IPP कस्टमर्स। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन है पार्टनरशिप विथ अस, इस पर आप एक बार क्लिक कीजिएगा। इसमें जैसे आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, अब आपके सामने कुछ फॉर्म आ जाएगा और इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, इंडिविजुअल बिजनेस कॉरपोरेशन, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा मिस्टर मिसेस या फिर जो भी हैं जिनके नाम पे आप अप्लाई कर रहे हैं, उनका यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, साथ ही एप्लीकेंट का एड्रेस, जो भी एड्रेस है उसे फिल कीजिएगा, पिन कोड आप यहाँ पर डालिएगा, आपका पोस्ट ऑफिस होगा उसे आप सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी डिटेल है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप लिख दीजिए कि आपके जो एरिया हैं वहाँ पे आप बीसी अकाउंट जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का होगा अगर आप उसे लेते हैं तो उसमें दोस्तों जो भी सर्विसेज हैं आप अपने आसपास के जो कस्टमर होंगे उनको बेनिफिट भी ला सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखना होगा और नीचे आई एग्री पर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ इंटर करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो ये दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से फिल करना होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो सर्च बटन है यहाँ पे आपको बीसी लिख करके सर्च करना होगा। जैसे आप सर्च करते हैं फर्स्ट पेज पर आप चले जाएंगे, बीसी अकाउंट का जो भी फर्स्ट पेज है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक हियर वाले बटन पर क्लिक करें। हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड बिजनेस कॉरपोरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको एक फोटो लगाना है और उसके बाद फोटो में आपको सिग्नेचर करना है यानी सेल्फ अटेस्टेड करना है। और यहाँ पे ये सारा इन्फॉर्मेशन भरने के बाद इसके साथ एक आइडेंटी प्रूफ आप अटेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आइडेंटी प्रूफ दिया हुआ है इसके अंदर में आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसे आपको एक सबमिट करना होगा
और उसके बाद दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि ये आपको किस एड्रेस में भेजना है, या फिर इसे आप ईमेल कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली हेड ऑफिस में जाकर के जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, नीचे आना होगा, सर्कल एंड ब्रांचेस लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं, अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ देख सकते हैं झारखंड, बिहार, साथ ही हिमाचल प्रदेश, तो जिस भी एरिया से हैं आप अपना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांच एड्रेस मिल जाएगा और साथ ही सर्कल का जो भी ब्रांच ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप चाहे तो ईमेल आईडी पे भी आप अपना डिटेल जो आपने फॉर्म भरा है उसे आप भेज सकते हैं, या फिर जो एड्रेस दिया हुआ है ब्रांच एड्रेस वहाँ पे जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं और कुछ इस प्रकार से आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वीसी अकाउंट ले सकते हैं। होप कि दोस्तों आपको पता चल गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वीसी अकाउंट के लिए कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इसके बारे में उन्हें भी पता चले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।